हेलो मेरे भाई, मेरे यार, मेरे दोस्त, कैसे हो? वेलकम बैक टू द आवर चैनल यू फन गेमिंग। सो भाई लोगों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट सिमुलेटर फॉर लो एंड पीसी। मतलब आपके पास 4GB से नीचे का रैम है, 2GB रैम है, तो यार आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बेस्ट सिमुलेटर कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। इफ आपके पास 4GB से ज्यादा रैम है, मतलब 6GB है, 8GB रैम है और हाई डिवाइस है, तो यार आपके लिए मैंने अलग सा वीडियो बना दिया है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिलेगा, तो गाइस आप लोग उधर से वीडियो देख सकते हो। तो भाई लोग यार, वीडियो शुरू करने से पहले यार तुम सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तुमको यार तुम्हारा भाई का कंटेंट पसंद आता है, वो पसंद आता है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब मारो, ओके, ताकि यार तुम्हारे भाई मोटिवेटेड आए और तुमको ऐसा ही अच्छा अच्छा कंटेंट फ्यूचर में देखने को मिले, तो यार सब्सक्राइब मारो, ओके। तो यार चलो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई, वीडियो शुरू करने से पहले यार तुम सभी को एक बात मैं क्लियर कह देना चाहता हूँ। यार मेरे पास भी हाई डिवाइस नहीं है, मैं भी तुम्हारा ही जैसा हूँ। तो गाइस यार कोई हाई डिवाइस वाले आके ये तुमको ये बेस्ट सिमुलेटर कौन सा है ये बताए तो थोड़ा सा नाइंसा भी होता है, लेकिन यार मैं तो तुम्हारा कैटेगरी के हूँ, लो इन डिवाइस वाले समझते है लो इन डिवाइस वाले की प्रॉब्लम। वो यार वीडियो को लास्ट तक देखो, तुम्हारे भाई तुमको इस वीडियो में बताएगा 101 सिमुलेटर। सो यार चलो अभी यार वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई लोग यार मैंने टॉप 5 पोजीशन पे रखा है गैली प्लेयर सिमुलेटर्स को, जो कि एक बेहतरीन बहुत ही अच्छा सिमुलेटर से आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बेस्ट सिमुलेटर बन सकता है। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि गाइस मैंने गैली प्लेयर्स में खुद एक साल तक खेला हुआ है, ओके, मेरे को गैली प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा पसंद है। सो भाई लोग यार, इफ आपके पास 4GB रैम है तो यार आप लोग एक बार रैली प्लेयर भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन यार उससे कम रैम है, मतलब यार 4GB से कम है, तो गाइस यार रैली प्लेयर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है, मैं अभी बोल दे रहा हूँ, ओके। तो गाइस यार भाई लोग, डाउनलोड लिंक से यार मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा। और गाइस ओदर्स प्रॉब्लम की बात करें तो यार रैली प्लेयर में क्या क्या प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता देना चाहता हूँ। तो भाई लोग यार, इधर कभी कभार जॉयस्टिक प्रॉब्लम आ जाता है, कभी कभार मूवमेंट प्रॉब्लम भी होता है, ऐसा नहीं कि ये पूरा प्रॉब्लम फ्री है, ओके। और आपके पास लो इन डिवाइस है तो यार ऑब्वियसली थोड़ा सा इधर लैग भी आपको देखने को मिल सकता है। सो भाई लोग, ये था एलडी प्लेयर्स के बारे में। तो भाई लोग अभी हम बात कर लेते हैं यार टॉप 4 पोजीशन पे कौन सा एमुलेटर है उसके बारे में, ओके। तो भाई लोग यार, मैंने टॉप 4 पोजीशन पे रखा है ब्लूस्टेक 5 को। तो यार तुम लोग अभी बोलोगे ब्लूस्टेक को यार हाई इन डिवाइस के लिए तुमने यार इधर क्यों रखा है इसको। सो भाई लोग यार, ब्लूस्टेक 5 जो है ना कुछ अलग इम्युलेटर है, कुछ अलग सा इम्युलेटर है, कुछ नया कर दिया है ब्लूस्टेक वालों ने। तो ब्लूस्टेक 5 जो है ना थोड़ा सा स्मूथ भी है, कम रैम भी लेता है एज कम्पेयर टू ब्लूस्टेक 4 एंड अदर सिमुलेटर। तो भाई आपके पास 4GB रैम है, तुम्हारे पास 4GB रैम है तो यार एक बार ब्लूस्टेक 5 भी ट्राई करना चाहिए। तो भाई लोग यार, मैंने अभी अभी जो है ना ब्लूस्टेक 5 का एक वर्जन डिसेबल वर्जन ट्राई किया था, उसमें यार मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला था, लाइक जॉयस्टिक अनस्टक एंड ओदर्स प्रॉब्लम। लैगिंग तो यार आपका थोड़ा हो भी सकता है, नर्स योर, मैं इसमें कुछ भी नहीं बोल सकता, ओके। किसी के 4GB में भी अच्छा चल रहा है, किसी के 4GB में अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोगों ने यार ऑप्टिमाइज नहीं किया है आपके लैपटॉप पीसी को, तो यार ऑप्टिमाइज कर लो फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैंने अलग सा वीडियो बना दिया है, वो भी हो सके तो वह नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में आपको मिलेगा। तो भाई लोग, ब्लूस्टेक 5 भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है इफ यू हैव 4GB रैम। तो भाई लोग, अभी हम बात करते हैं थर्ड पोजीशन पे कौन सा एमुलेटर है उसके बारे में। तो भाई लोग यार, मैंने थर्ड पोजीशन पे रखा है गेम लूप एमुलेटर्स को। गेम लूप एमुलेटर्स के बात करें तो यार ये तो स्पेशली पबजी के लिए डिजाइन किया हुआ है, ओके, पबजी इसमें स्पेशली खेलते हैं लोग। तो यार इसके बात करें तो यार ये भी थोड़ा सा लाइट एमुलेटर है एज कम्पेयर टू ब्लूस्टेक मेमो MSI, ओके, इनके कंपेरिजन में थोड़ा सा लाइट एमुलेटर है, इसलिए मैंने इधर इसको पुट किया है। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है फ्री फायर में इसके बारे में बात करें तो यार इधर थोड़ा सा सेंसिटिविटी जॉयस्टिक प्रॉब्लम हो सकता है आपको, और यार इधर ओदर्स प्रॉब्लम की बात करें तो यार लैगिंग तो यार इधर थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू ओदर सिमुलेटर। तो भाई लोग यार, तुम्हारे लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है इफ तुम्हारे पास 4GB रैम है। 2GB के लिए भी यार एक बार ये ट्राई कर सकते हो, लेकिन यार अभी के टाइम जो है ना तुमको पता है फ्री फायर 500MB वाला गेम नहीं रहा है, यार 2GB से भी बड़ा गेम हो चुका है, तो यार इस टाइम पे 2GB के रैम में थोड़ा सा चलना मुश्किल है, लेकिन यार तुम लोग ट्राई कर सकते हो। लेकिन यार तुमको मैं और भी एमुलेटर बताने वाला हूँ जिसमें यार फ्री फायर इससे ज्यादा अच्छे चल सकते हैं, ओके। तो भाई लोगों, अभी हम बात करते हैं टॉप 2 एमुलेटर्स के बारे में। मैंने टॉप 2 पोजीशन पे किस एमुलेटर के रखा है आप लोग गेस कर सकते हो। तो भाई लोग, मैंने यार टॉप 2 पोजीशन पे रखा है स्मार्ट गागा एमुलेटर्स को, जो कि यार नाम से ही आपको पता चल चुका होगा ये कितना स्मार्ट हो सकता है, ओके। तो यार इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो यार तुमको यार ये लैग फ्री परफॉर्मेंस दे सकता है इफ तुम्हारे पास 4GB रैम है तो 2GB रैम है तो भी यार ये
थोड़ा सा तुमको अच्छा परफॉर्मेंस देता है एज़ कम्पेयर टू अदर सिमुलेटर। और इसकी यार प्रॉब्लम्स की बात करें तो यार इधर कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है, मैंने पर्सनली ट्राई करके देखा है। और उस टाइम पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि ब्लूस्टिक का छोटा भाई करके, ओके, तो गाइस इसमें भी यार कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है। मैंने इसको क्यों छोड़ा था ये भी मैं तुमको बता देता हूँ। इसमें यार रिकॉर्ड नहीं था, जो कि यार ऑब्वियसली मेरे को तो चाहिए बहुत सारे रिकॉर्ड करने होते। अभी के टाइम में यार मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम यार गेम भी नहीं खेलता हूँ। अभी के टाइम में मेरा पूरा स्टडी पे फोकस है। तो भाई लोग यार तुमको यार मेरा गेम पे देखने को नहीं मिला है, सॉरी गाइस। और यार थोड़ा और भी प्रॉब्लम्स है मेरे लैपटॉप में कि यार बहुत सारे अभी यार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है मैंने, यार गेम भी अच्छे से खेल नहीं पाता हूँ। तो यार तुमको यार मेरा खुद का गेम प्ले कैसे दिखा सकता हूँ, ओके। वो दस की बात करें तो यार जो स्मार्ट का इम्युलेटर से नहीं था, तुमको यार कुछ भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, लाइक अ जॉयस्टिक अनस्टेबल प्रॉब्लम एसल विदर नहीं है, ओके। तो गाइस मैंने जब ट्राई किया था तभी के टाइम में तो यार ये कुछ भी मेरे को देखने को नहीं मिला था। मैंने यार एक वजह जो था मैंने तुमको बता दिया, उसी वजह से यार मैंने स्मार्ट कागज होना पड़ रहा था। तो भाई लोग मैंने यार तुमको स्मार्ट कागज के बारे में भी बता दिया है, तुम लोग यार इसको भी डाउनलोड कर सकते हो सकता है। तो यार इसका लिंक भी मैं तुमको मेरा डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो भाई लोग यार अभी हम बात कर लेते हैं टॉप वन पोजिशन पे मैंने कौन सा एमुलेटर को रखा है, ओके। तो भाई लोग यार मैंने टॉप वन पोजिशन पे रखा है द ओनली वन एमुलेटर फेनिक्स ओएस। तो यार इसके बारे में बात करें तो यार ये बेस्ट एमुलेटर हो सकता है लो इन डिवाइस के लिए, क्योंकि तुमको जो है ना एक अलग सा ओएस प्रोवाइड करता है। तो गाइस यार तुम लोग उसके अंदर चले जाते हो तो यार तुमको अलग सा उधर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक का अलग सा इंटरफेस देखने को मिलता है तुमको। तुम्हारा जो है उधर कुछ भी नहीं होता है लाइक का तुम्हारा जो पीसी में था उधर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, लाइक क्या बोलते हैं रिसाइकल बिन और माई पीसी करके ऐसा होता है ना, वो उधर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो उधर लाइक मोबाइल का जैसा एक इंटरफेस देखने को मिलता है। तो यार इसके वजह से तुम्हारा जो है ना रैम का ऑप्टिमाइजेशन जो है रैम पूरा उसमें यूटिलाइज हो जाता है और भी बहुत सारे है सीपीयू पूरा उसमें यूटिलाइज हो जाता है। तो गाइस यार तुम्हारे पास 2GB रैम है तो यार तुमको यही कर लेना है कि यार फेनिक्स ओएस को इंस्टॉल कर लेना है। तो गाइस ये इंस्टॉल करना उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैंने तो यार इसके रिलेटेड वीडियो नहीं बनाया लेकिन यार तुमको यूट्यूब में बहुत सारे इसके रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मिलता है। और बात करें तो यार तुम लोग यार लैपटॉप का जो है एक्सेस डायरेक्टली इधर से नहीं कर सकते हो, इसके लिए तुमको यार इसको साइन आउट करके तुमने यार तुम्हारा यूजर्स का नाम के रखा है, लाइक किसी लोग अपने नाम रखते हैं उधर से फिर से उसको लॉग इन करना पड़ता है। तो वाई लोग ऐसा इंटरफेस है फेनिक्स ओएस का, तो वाई लोग यार इसलिए इसमें लैग के प्रॉब्लम बहुत ही कम है। तुम्हारे पास 4GB रैम है तो भी यार तुम लोग इसके साथ जा सकते हो। तो वाई लोग यार मैंने तुम्हारे लिए टॉप 5 बेस्ट सिमुलेटर बता दिया है। होप तुम लोग को यार मेरा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कर देना भाई लोग। और भाई लोग तुम ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हो, तुम्हारा भाई का कंटेंट तुमको पसंद है तो यार चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना और यार इम्युलेटर से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए चैनल विजिट भी कर लेना। तो यार मिलते हैं भाई लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, जय फ्री फायर।